खास 73वां गणतंत्र दिवस पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर आज यहाँ पर उपस्थित मेरे सीनियर कलीग्स बजाज जी, विभय और सतीश जी, बाकी सभी साथीगण, मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे फ्रंट लाइन रियल हीरोज हु आर इन द सबस्टेशंस एंड टीएलएम ऑफिसेस, मैं उनको और उनके परिवार को भी बधाइयां देता हूँ। हमारा देश जैसे कि 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, आजादी मिली ऑफकोर्स, उस समय जब विभाजन हुआ तो काफी दुखद घटनाएं भी हुई, पर आजाद होना एक इवेंट था डेफिनेटली। स्वतंत्र होना आदमी के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर स्वतंत्रता के बाद क्या, दैट वॉज ए चैलेंज फॉर द कंट्री। कंट्री है डाइवर्स, डाइवर्सिटीज इन द सेंस दैट देयर कास्ट, क्रीड, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इवन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, तो उन सबको यूनाइटेड करके रखना एक बड़ा चैलेंज था इस देश के सामने। उस समय एक जरूरत थी कि हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे कि देश की सारी जनता उन लॉ एंड ऑर्डर से बंधी हुई होगी, अदरवाइज एक स्वतंत्र आदमी तो कुछ भी कर सकता है। हमारे यहां पर मैं बोल सकता हूं मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं पर भी किसी को भी डैमेज कर सकता हूं, तो उस तरह का माहौल न बने इसके लिए बहुत जरूरी था कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।